दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को आस्था का प्रतीक माना गया है, और यही कारण है कि हिंदू धर्म में कोई भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है तो कोई शिवलिंग की। परंतु कालांतर में विदेशी आक्रांताओं ने शिवलिंग की व्याख्या गलत अर्थों में कर दी, यानी विदेशी आक्रांताओं ने शिवलिंग को भगवान शिव का गुप्तांग बताने लगे, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुछ हिंदुओं ने भी इसे सच मान लिया और वे भगवान शिव के लिंग अर्थात शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दिया। परंतु यह सच नहीं है, बल्कि ये सब मात्र एक भ्रम है जो ज्ञान के अभाव और भाषाई रूपांतर के कारण समाज में फैलाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ गुप्तांग होता है, या फिर स्त्री पुरुष के लिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है, और गुप्तांग के लिए संस्कृत भाषा में शिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में शिवलिंग क्या है और शिव शंकर में क्या अंतर है, जिसका वर्णन शिव पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द का विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए आप अर्थ शब्द को ही ले लीजिए, जिसका संस्कृत में मतलब होता है धन, और यही शब्द हिंदी में किसी भी शब्द का मीनिंग बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह संस्कृत में शिवलिंग में लिंग शब्द का अभिप्राय शिव के प्रतीक चिन्ह गुण व्यवहार है। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत अस्तित्व को परिभाषित करता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए धर्म ग्रंथों की माने तो शिवलिंग वह धुरी है जिस पर घूमती हुई पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। इतना ही नहीं, शिवलिंग को समानता का प्रतीक भी माना जाता है, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माँ पार्वती के आदि अनादि एकल रूप को भी दर्शाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति अर्थात स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, उसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव के इस प्रतीक यानी चिन्ह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन शिव पुराण में किया गया है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने विष्णु जी उत्पन्न किए, और फिर विष्णु जी की नाभि कमल से परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। परंतु कुछ समय बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक बात को लेकर युद्ध छिड़ गया। इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया कि दोनों में शक्तिशाली कौन है। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तब एक दिन एक स्तंभ प्रकट हुआ, और फिर आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी इस स्तंभ का दोनों छोर ढूंढ लेगा वही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। आकाशवाणी सुन भगवान विष्णु उस स्तंभ के नीचे का छोर ढूंढने चल पड़े, और ब्रह्मा जी ऊपरी छोर ढूंढने। परंतु काफी समय तक ढूंढने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। फिर भगवान विष्णु युद्ध स्थल पर वापस आ गए, और कुछ देर बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आ गए। परंतु ब्रह्मा जी ने खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए विष्णु जी से झूठ कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूं, मेरा ना कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ, और ऐसा माना जाता है कि तभी से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। खैर, ये तो हुई शिवलिंग से जुड़ी बात। अब हम आपको बताते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, क्योंकि अधिकतर जनमानस यही सोचते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भगवान शिव निराकार हैं, अर्थात उनका कोई आकार नहीं, जबकि शंकर को सदा तपस्वी मूर्त दिखाया जाता है। शिव ने ही सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की, यानी शिव परमात्मा रचयिता हैं। इसलिए शिव जी को त्रिमूर्ति शिव भगवान भी कहा जाता है, और शंकर उनकी एक रचना है।
शिव ब्रह्मा लोक में परधाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि शिव की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है, ना कि शंकर रात्रि। अतः शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन दर्शाया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं, जन्म मरण के चक्र या बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर साकारी देवता हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव और शंकर एक नहीं बल्कि दोनों अलग अलग हैं। यदि समझ आ गया हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ के लोगों के साथ साझा करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दें इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।